जो मोदी साहब ने जो अनाउंस किया है कि 20 लाख करोड़ मैं इंडियंस को जो है उनकी राहत के लिए उनके स्पेंड करूंगा, तो 3 L कुछ बोले, एक लेबर, एक लैंड, एक समथिंग कुछ लॉयर्स है क्या है लगाने। तो मेरा उनसे मुतालबा ये है कि उन्होंने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर आके आपको रोज़ अपडेट करेंगे कि ये पैसे किस तरह से हम इसको यूटिलाइज करेंगे, जिसको हम इसमें मदद करेंगे। तो मेरे को जो है मोदी जी के शुरू से जो है आप देखिए उनके जो जुमले 15 लाख हर अकाउंट में डालेंगे, बाद में एक जुमला था वो, तो ये 20 लाख करोड़ आप जब करे हैं, जब आप सोचे हैं कि भाई 20 लाख करोड़ मेरे को जो है मेरी आवाम पे खर्चा करना है, तो आप एक खाका तो बनाए होंगे आप कि किन लोगों को पर खर्चा करना है। आपको मालूम है कि 67% गरीब आदमी जो अपने जॉबों से हाथ धो बैठा है, जो लोग डेली जो है डेली वेजेस पे जो काम करते थे, जो ऑटो चलाते थे या जो है ओला टैक्सी वगैरह चला लेते थे, वो लोग बेरोजगार हो गए। जो लोग जॉब करते थे वो लोग बेरोजगार हो गए। तो 67% लोग जो है बहुत परेशान हाल में। क्या आप ये 67% लोगों को आप मदद करेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? आप स्टेट गवर्नमेंट को पैसे देंगे या स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलते सो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के बाद आप दोनों मिलकर करेंगे, या स्टेट गवर्नमेंट को आप पैसे दे देंगे कि आप जो है आप आइडेंटिफाई करके करो? आप एग्जैक्टली आपका जो है कुछ बताया नहीं, बस आके बोल दिए एक बार थाली भर दो बोल दिए, एक बार आके जो है दिया जला दो बोलिए, एक बार आके 20 लाख करो। ये इस तरह से मुल्क चलाया नहीं जा सकता। मुल्क चलाने के लिए आपको थोड़ा आपको होमवर्क करना पड़ेगा। आप ये किस तरह से करते हैं? अभी जो हाल हाल में आप जो है कि एयरफोर्स के जो प्लेन वगैरह यूज़ करके जो है जो जितने भी इस कोविड में जो है जो डॉक्टर नर्सें जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत मतलब जो पेशेंट्स की जो खिदमत कर रहे हैं, उनके लिए जो आप उनके पेशेंट्स के लिए जो है पूरा मरसा ये करें। अगर वही पैसा उनको अप्रिशिएट करने के लिए पूरा मरसा ने जो जितना पैसा खर्चा हुआ, तो वही पैसा आप अगर से उनके अकाउंटों में डालते नर्सों के और उनके डॉक्टर्स के अकाउंट में डालते, तो नर्सों की भी अपनी फैमिली है, वो अपनी फैमिली से दूर रह के काम कर रहे, उनकी भी अपने घर के खर्चे हैं, वो भी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। अगर एक 4 पैसे उनको मिलते तो उनकी मदद होती थी। आप ये सारे दिखावे की चीज़ों में जो है आप पैसे बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। असली मसला है आपको लोगों की दिल से मदद करना, हमदर्दी करना, उनके बुरे वक्त में काम आना। ऐसा तो पूरे मुल्क में बीजेपी की कहीं पर भी सरकार है या बीजेपी जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ पर ऐसा तो कहीं दिख रहा नहीं कि बीजेपी दिल से जो है पब्लिक की आके मदद कर रही है या उनकी गम में ठहरी हुई है या उनको मदद कर रही है, ऐसा तो कुछ दिख रहा नहीं। ऊपर थे आपके जुमले और आपके फाइनेंस मिनिस्टर अभी तक जो है उसका एक खाका हमारे सामने पेश नहीं करें। क्या कर रहे क्या GDP जो है हमारा दिन ब दिन इतना बुरी तरीके से हालत में है, उसको आप बूस्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं? आपको आप उसके बारे में आपकी कोई राय भी नहीं है, आप कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात नहीं कर रहे, आप इकोनॉमिस्ट से बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ आप मेरे को कांग्रेस के खिलाफ या दूसरे पार्टियों के खिलाफ कुछ भी एक प्रेस में मीट करना है, आवाम के वो सामने जाके कुछ बोलना है तो बड़ बोल दो, ऐसा नहीं होता। इस वक्त आवाम बहुत परेशान है और पिछले 50-55 दिनों से जो है आवाम आपको पूरे हिंदुस्तान के पूरे जहाँ जहाँ पर सरकार है और पूरी सरकार को हिंदुस्तान की आवाम बहुत ही सपोर्ट की है। आपके आप जिस तरह से बोले वो लोग अपने घरों में कैद रहते हुए हम जो है एक बीमारी से लड़ने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट करें। अगर से आज गवर्नमेंट अगर से आवाम के साथ नहीं आती है 55 दिन के बाद भी, तो मेरे को अफसोस है। मैं जो देख रहा हूँ कि लोगों के दिलों में जो है गुस्सा अंदर अंदर पल रहा है, बढ़ रहा है, रोज़ाना ये कम होने का नाम नहीं ले रहा। अगर से ये हालत ऐसी रहे और एक 15 दिन, तो मैं समझता हूँ कि लोगों का जो सब्र का जो बांध है वो टूट जाएगा और इसके नतज जो है बहुत मुश्किल के आ जाएंगे और बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ KCR साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जुमलेबाजी ख़त्म करें, प्रैक्टिकल आकर आप जो है लोगों की क्या खिदमत कर सकते हैं वो आप
प्रैक्टिकल वे पे आप लोगों को बताए हालत में है उसको आप बुश करने के लिए क्या कर रहे हैं। आप उसके बारे में आपकी कोई राय भी नहीं है, आप कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात नहीं कर रहे, आप इकोनॉमिस्ट से बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ आप मेरे को कांग्रेस के खिलाफ या दूसरे पार्टियों के खिलाफ कुछ भी एक प्रेस में मीट करना है, आवाम के वो सामने जाके कुछ बोलना है तो बड़ बोल दो, ऐसा नहीं होता। इस वक्त आवाम बहुत परेशान है और पिछले 50-55 दिनों से जो आवाम आपको पूरे हिंदुस्तान के पूरे जहाँ वाली सरकार है और पूरी सरकार को हिंदुस्तान की आवाम बहुत ही सपोर्ट की है। आपके आप जिस तरह से बोले वो लोग अपने घरों में कैद रहते हुए हम जो है बीमारी से लड़ने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट करें, अगर से आज गवर्नमेंट अगर से आवाम के साथ नहीं आती है 55 दिन के बाद भी तो मेरे को अफसोस है। मैं जो देख रहा हूँ कि लोगों के दिलों में जो है गुस्सा अंदर अंदर पल रहा है, बढ़ रहा है, रोज़ाना ये कम होने का नाम नहीं ले रहा। अगर से ये हालत ऐसी रहे और एक 15 दिन तो मैं समझता हूँ कि लोगों का जो सब्र का जो बांध है वो टूट जाएगा और इसके नतीजे जो है बहुत बहुत ही बहुत मुश्किल के आ जाएंगे और बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ केसीआर साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जुमलेबाजी ख़त्म करें, प्रैक्टिकल आकर आप जो है लोगों की क्या खिदमत कर सकते हैं वो आप प्रैक्टिकल वे पे आप लोगों को बताएं।